सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साध संगत जी, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जैसा कर्म करेगा इंसान, वैसा ही उसको फल मिलेगा। मनुष्य जीवन एक खेत है, मनुष्य जीवन एक खेत है जिसमें कर्म बोए जाते हैं और उन्हीं के अच्छे बुरे फल काटे जाते हैं। कहते हैं कि कर्म करने की भगवान ने, इस निरंकार ने जीव को पूरी आज़ादी दी है। अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, यह जीव के अपने हाथ में होता है। जो अच्छे कर्म करता है वह अच्छे फल पाता है, और बुरे कर्म करने वाला बुराई ही पाता है। जैसे कहावत भी है, आम बोएगा तो वह आम ही खाएगा, बबूल बोएगा तो वह बबूल ही पाएगा। बबूल बोकर जिस तरह आम प्राप्त करना प्रकृति की सच्चाई नहीं है, उसी प्रकार बुराई के बीज बोकर भलाई पा लेने की कल्पना भी मानव नहीं कर सकता है। मानव जीवन में भी इस सच्चाई के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भलाई का फल सुख शांति और प्रगति देता है, बुराई का फल बुराई ही देता है। इस बात का इतिहास भी गवाह है। जो कार्य होते हैं वो कभी कारण रहित नहीं होते। जो भी कार्य होते हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है। उसी तरह से कोई भी क्रिया परिणाम रहित नहीं होती, हर क्रिया का परिणाम होता है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों दृष्टि से संसार का यह मौलिक नियम है कि भाग्य कभी अपने आप नहीं बनते, बल्कि यह व्यक्ति के कर्मों की कलम से लिखे जाते हैं। अच्छा या बुरा भाग्य हमेशा अपने ही कर्म का फल होता है। जब हमें पता है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है, तो हम फिर क्यों ना अच्छे कर्म ही करें। लेकिन जो अच्छे कर्म करने की भावना है, ये सतगुरु के चरणों में ब्रह्म ज्ञान लेकर ही आती है। जब संतों महापुरुषों की संगत मिल जाती है तो फिर अच्छे कर्म होते हैं। जैसे कहा है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जिस तरह का संग किया जाता है उसी तरह का ही फिर रंग चढ़ जाता है। जैसी संगति वैसी रंगती। इसी तरह संगति के असर पर भी एक दासी स्टोरी आप जी के चरणों में रखेगी। कहते हैं, एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक राजा को कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश कर गया। अभी कुछ दूर ही राजा गया था कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते वे काफी दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर उस पेड़ के पास वो आराम करने के लिए चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरान हो गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग-अलग कैसे
कैसे हो सकता है? राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात सुनकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम करके राजा उन साधु महात्मा के पास ही बैठ गया और अपनी सारी बात सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा ने राजा की बातें बड़े ध्यान से सुनी, बड़े धैर्य से सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, ये सब कुछ संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। और यह तोता यहाँ संतों महात्माओं की बातें सुनता है तो इसके मन में संतों महात्माओं का ही व्यवहार घर कर गया है। इसने हम तो महात्माओं की जो बातें सुनी हैं उसे अपने मन में बिठा ली हैं। अर्थात जो भी जीव, पक्षी, पशु जिस भी वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का भाव यही है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगति में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। हाँ संगत जी, जिस तरह कहते हैं कि जो बस में सफर करते हैं वो पैसेंजर बन जाते हैं, जो डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो पेशेंट बन जाते हैं, जो शॉपकीपर के पास जाते हैं करियाना लेने या कपड़ा लेने या कोई और सामान लेने जाते हैं तो वो कस्टमर बन जाते हैं, और जो सत्संग में आते हैं वो संगत बन जाते हैं, वो सत्संगी बन जाते हैं, उनको सत्संग का रूप दिया जाता है। ये सत्संग में सत का संग होता है, सत की चर्चा होती है और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आज हमें यही समझा रहे हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा सत्संग में आना है और कोई बहाना नहीं बनाना है। सत्संग में और घर के कामों में हमने बैलेंस बना कर रखना है और अपने बच्चों को भी सत्संग में लेकर आना है। जैसी संगति वैसी रंगती। सत्संग में आकर हमेशा अच्छे ही कर्म सिखाए जाते हैं तो इंसान के अंदर अच्छी भावना आती है और वह ताउम्र जिंदगी भर अच्छे कर्म ही करता चला जाता है। आओ दातार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह हमें हमेशा सत्संग के साथ जोड़ के रखना, हम हमेशा अच्छे ही कर्म करते चले जाएं। एक और दासी कर्म फल के ऊपर एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी ये स्टोरी भी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। सा संगत जी, कर्म फल पर ही एक कहानी है। कहते हैं एक गांव में एक किसान उनके परिवार के साथ रहता था। किसान और उसका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करता था और संत महात्मा के उपदेश पर किसान का परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उसके परिवार में सभी लोग प्यार से रहते थे। किसान का एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्यार से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो यह अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था, हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरे करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे बताएं। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच
उस अपाहिज पुत्र के पिता ने, यानी कि उस किसान ने, संत महात्मा से एक क्वेश्चन किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में हम बुरा भी नहीं सोचते और ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ है? संत जी ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो सुनो। संत जी कहने लगे किसान से कि सुनो, यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से अपाहिज है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। डेली खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था, यानी कि यह डेली खेत में अपने पिता को दोपहर का खाना देने के लिए खेत में जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगाकर दिया और कहा कि बेटा खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आ। और इसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई तो यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर में घुस आया, उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता देखकर पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो जूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा, दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, बेटा, इस संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको अपने कर्म का फल पृथ्वी पर भोगना पड़ेगा। इसलिए हर समय उचित कर्म करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए समझाया है कि इंसान की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से शुरू होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है, वह परमात्मा के पास है, नजदीक है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि परमात्मा भी मानव के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो साधारण इंसानों के लिए है। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे कर्म, बुरे अच्छे कर्म का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। इसलिए हम सोच समझकर अच्छे कर्म ही करते चले जाएं, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझाते हैं कि हमें कर्म करने की पूरी आज़ादी है, हम अच्छे ही कर्म करते चले जाएं और कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। हमेशा हम दूसरों के काम आएं, दूसरों की सहायता करें। अपना खाना खाने से पहले हम दूसरे को खाना दें, दूसरे को आगे रखें। नमस्कार करते समय भी हम अपने से आगे ही रखें सबको, हम पीछे हो जाएं। और इस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं, हम हर एक का दिल से, श्रद्धा से आदर सत्कार करते चले जाएं और रहमतों के भागीदार बनते चले जाएं।
सतगुरु माता जी, आप जी इसी तरह हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। जब सत्संग में आते हैं तो हमारे कर्म जो होते हैं काफी कट जाते हैं। जैसे कहते हैं कि एक बार एक जगह सत्संग चल रहा था और दो चोर चोरी करने के लिए जा रहे थे, तो एक जो चोर था वो कहने लगा, वो चोर ने सुना हुआ था कि देवी देवताओं, जो एक चोर जो था वो चोरी करने जा रहा था और दूसरा चोर जो जा रहा था चोरी करने के लिए, सत्संगत जी कहने का भाव यही है कि सत्संग में आने से हमारे बहुत कर्म कटते हैं। ये सतगुरु सच्चा पातशाह शूली का शूल बना देता है, जो फांसी की सजा मिलनी होती है उसे कांटे में बदल देता है। इसलिए अब हमें सतगुरु ने अलर्ट किया है, सावधान किया है, समझाया है कि हमने अच्छे कर्म करने हैं। अगर हम अब भी अच्छे कर्म नहीं करेंगे, फिर हम अपनी मनमानी करेंगे, तो फिर हमें हम अगर अपनी मनमानी करेंगे, हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तो फिर उन कर्मों का फल तो हमें फिर डबल ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हम आओ दातार के चरणों में यही अरदास मांगते हैं, यही अरदास करते हैं सच्चे पातशाह, हम हमेशा अच्छे ही कर्म करते चले जाएं। साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है, जो भी हम सत्संग में वचन सुनते हैं मन से सुनने हैं और कर्मों द्वारा सुनाने हैं। पांव से चलकर संगत आना, कर से सेव को माना है। पांव से हमने सत्संग में आना है और हाथों से सेवा करनी है। रसना से है कीर्ति गाना, आंख से दर्शन पाना है, आंखों से हमने सतगुरु के दर्शन करने हैं और जीभ से इसकी प्रशंसा करनी है। संतों महात्माओं के यश गाने हैं, सतगुरु निरंकार की महिमा गानी है, इसका सिमरन करना है। रसना से है कीर्ति गाना, आंख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। श्रद्धा प्यार से हमने हर समय सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होना है। जो गुरु सी के कर्म कमावे तीनों सुख वह पाएगा, कहे अवतार गुरु हो राजी जग सारा यश गाएगा। कहते हैं कि जो भगत ये सारे काम कर लेता है उसका सारा संसार यश गाता है और वह हर प्रकार के सुख पाता चला जाता है। वो अच्छे ही कर्म करता चला जाता है, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करता है। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सहयोग देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। सास संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।